भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पर राखी का बाजार गर्म है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र की एक से एक वैरायटी और रेंज लेकिन लोगों को लुभा रही है। तीज त्योहार की झांकियों वाली परंपरागत हैंडमेड राखियां ज्यादा डिमांड में है, जो अब दिखने में भी आकर्षक रॉयल लुक देती है। जयपुर में हर गली मोहल्ले और मॉल में अलग अलग वेराइटीज, लेकिन राखी बनाने और होलसेल के लिए मशहूर पुराने शहर में नाहरगढ़ रोड स्थित राखी बाजार, जहाँ से प्रदेश ही देश भर में राखियां सप्लाई होती है। राखियां कैसा है नाहरगढ़ रोड राखी बाजार का हाल, भाइयों के लिए राखी पसंद बहने, राखी वैरायटीज और भाव, जायजा लिया वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है और यही वजह है कि जो राखियों की दुकानें हैं वहां पर बहने और ख़रीदार यहां पर उमड़ रहे हैं। जयपुर की यह खासियत है कि अलग अलग त्योहारों के लिए जैसे संक्रांत, पटाखे, पतंग, सबके अलग अलग बाज़ार है रंगों के, वैसे ही राखी का भी ये बाज़ार सस्ता है चार दीवारी पुराना शहर के नाहरगढ़ रोड इलाके में। और आप यहाँ पर देखेंगे तो तरह तरह की राखियाँ हैं और ये वो दुकानें हैं राखियों की जहाँ पर केवल सीजन में ही नहीं बल्कि साल भर पूरे 12 महीने साल के यहाँ पर राखियाँ जो बनाई जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, बेची जाती है रक्षाबंधन के लिए, इसके अलावा जो लड्डू गोपाल और भगवान उनकी पोशाकों के लिए। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं, बहनें राखी खरीद रही हैं, हम उनसे बात करें। आप यहाँ पर रक्षाबंधन पे राखी खरीदने के लिए आए हो, किस तरह की यहाँ पर राखियाँ हैं और कैसी कैसी राखियाँ पसंद आ रही है आपको? देखो जो शॉप है यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे हम बहुत काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस भी बहुत अच्छी मिलती है, राखियाँ भी बहुत अच्छी है। मतलब आप देख लीजिए, हम यहाँ पे 5 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू। राखियाँ देखो बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे देखा जाए तो सब हिसाब से भाइयों के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने भाई भतीजे भी होता है, सब होते हैं, बुआ और होती हैं, बहुत अच्छे। और जैसे चूड़ा राखियाँ भी होती है, वो भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। रेट्स कैसी है राखियों की? रेट्स बिल्कुल रीजनेबल रेट है, बिल्कुल महंगी भी नहीं है, होलसेल रेट पे मिल जाती है। हम आपसे जाने तो किस तरह से ग्राहकी हो रही है, क्या समय मिल पा रहा है या फिर दिन रात ऑर्डर पूरा करने में जुटे हुए हो? सर दिन रात ऑर्डर तो पूरा करना ही पड़ता है, वैसे भी त्यौहार हर त्यौहार का इंतज़ार रहता है। ये भाई और बहन का प्यार का त्यौहार है, इसमें हर बहन इंतज़ार करती है 12 महीने कि राखी आएगी तो मैं ये ऐसे राखी लाऊंगी, ये राखी बांधूंगी, ऐसा करूंगी, तो वो सब चलता रहता है। और बरसात ने इस बार मार्केट थोड़ा स्लो कर दिया था, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी है पूरा बाज़ार ग्राहकों से भरा हुआ है, हर ग्राहक हर बहन राखी लेने आई हुई है और अच्छा बाज़ार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेट्स में क्या बदलाव आया है और कुछ नया इस बार आया है, क्या नया पसंद हो रहा है? रेट्स में तो रॉ मटेरियल के रेट बढ़ते हैं उसी हिसाब से, हर साल हर चीज़ की रेट बढ़ रही है। आप किसी भी चीज़ में ले लो हिंदुस्तान में, जो रेट महंगाई थोड़ी बढ़ रही है उस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं है। हमारे यहाँ 24 रुपये दर्जन से लेके और 600 रुपये दर्जन तक राखी मिलती है, और ऊपर जाओ तो आप 2000 रुपये दर्जन भी मिल जाएगी पैर सेट वगैरह। भाई बहन का प्यार पैसों के आगे सब फीका रह जाता है जी। तो दर्जन की बात करें 24 रुपये यानी 2 रुपये की एक राखी से लेकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बता रहे हैं कि 2000 रुपये दर्जन तक की राखियाँ होलसेल का, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की, ये बाज़ार है खासकर राखी को लेकर। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।